हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन। ठीक है, तो इस अल्टरनेटिंग करंट के रिवीजन वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो कई सारे टॉपिक होते हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, जैसे इंट्रोडक्शन, ठीक है, अलग अलग टाइप की एसी की वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, आरएमएस वैल्यूज, फेजर, सर्किट एलिमेंट, एलसी ऑसिलेटर, सीरीज एलसीआर, पावर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और उसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अल्टरनेटिंग, ये जो अगर आप इसको देखें, आई और टी के बीच में अगर मैं एक कर्व या ग्राफ बनाऊं, तो यहां पर अगर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है तो ये रिप्रेजेंट करती है प्योर डीसी को, वाइल अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो ये जो है वो है प्योर एसी। दिस इज प्योर एसी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो बेसिकली ये हमारा आई नॉट करंट हो गया और ये हमारा माइनस आई नॉट। ठीक है, तो दिस इज प्योर एसी, दिस इज प्योर डीसी। तो यहां पर हमें समझना होगा, ठीक है, अगर मान लो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया तो ये मिक्सचर हो जाता है एसी और डीसी का। जैसे मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होती है प्योर एसी की इक्वेशन। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि आगे से दिस इज इक्वेशन फॉर प्योर एसी, एंड अगर मैं सिर्फ मतलब नॉर्मल आई लिख दूं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डीसी की इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी प्लस ऐड कर दूं कुछ और करंट तो वो हमारी एसी प्लस डीसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजों को हमें समझना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है कुछ चीजें देखेंगे। सबसे पहले हमें जो है इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो वो आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको वो आएंगी। अगर नहीं आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अल्टरनेटिंग करंट की पहली वीडियो देख लें, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कुछ, मैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। जैसे मान लो हमें साइन एक्स का एवरेज निकालना है, ध्यान रखना ये जो कुप्पी से मैं यूज कर रहा हूँ ये बेसिकली एवरेज के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज का अगर हमें एवरेज लिखना है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी देखा था, तो हम इस तरीके से ब्रैकेट बना सकते हैं। मान लो साइन एक्स, कॉस एक्स, इन सब का एवरेज एक जैसा होता है। ठीक है, किसी का भी एवरेज आपको निकालना है, ध्यान रखना है वो वैल्यू जीरो आती है फुल साइकिल के लिए। ठीक है, तो एवरेज फुल साइकिल के लिए जीरो आएगा इन सारी वैल्यूज का, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब यहाँ पर, फुल साइकिल का मतलब है कि एक बार, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है ना, अल्टरनेटिंग नाम से पता चल रहा है बदलने वाला, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जनरल इक्वेशंस एसी की जो अगर मैं लिखूं तो वो होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं तो ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और यहां पर जो ओमेगा होता है दैट इज 2 पाई बाई टाइम, तो जो ओमेगा टी है वो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। ये चीज हमें समझनी होगी, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो मान लो हमें ये सारी जो चीजें बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस में काम आएंगी। ठीक है, इसलिए जरूरी है हमें समझना। ठीक है, ये सारी चीजें लिख ले हम एक जगह पर, बेहतर रहेगा। मान लो कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स का हमें एवरेज निकालना है, तो उसका जो एवरेज आएगा वो हाफ होगा। अब की बार जीरो नहीं होगा, ये हाफ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। अब जैसे स्क्वायर करने का मतलब ये है, देखो हमने स्क्वायर कर दिया तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा ये है, तो आपका ये जो एवरेज है वो हाफ हो जाता है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जैसे पहले नंबर की है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है किसी भी सेकंड में, किसी भी सेकंड पे अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो करंट की तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, मैं लिखू तो यहाँ पर आप अगर मान लो किसी भी समय पर वैल्यू निकाल रहे हो तो ये जो आई है इसकी वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस, मतलब ये किसी भी समय, मतलब किसी भी सेकंड पर आप निकाल रहे हो, पहले सेकंड पर, दूसरे सेकंड पर, तीसरे सेकंड पर, तो दैट इज वैल्यू ऑफ करंट जो होगी उस सेकंड पर वो इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी क्षण पर, किसी भी मोमेंट पर, किसी भी पर्टिकुलर। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी भी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू। ठीक है, अब मैं जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करूँ, कुछ क्वेश्चन देखे हमें तो कैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन करता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारी करंट की वैल्यू है और हमें क्या बताना है, करंट फाइंड करना है कब, जब टाइम कितना है,
टी बाई एट है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द करेंट वेन टाइम इज टी बाई एट, ओके। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम यहां पर कह सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एट, ठीक है, इस ओमेगा टी की जगह हम टू पाई भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन टू पाई बाई एट, ठीक है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना था, अगर टू पाई बाई एट को देखें तो ये पाई बाई फोर हो गया, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो हम अगर 180 बाई फोर करें तो 45 डिग्री हो गया, यानी कि आई नॉट साइन 45 डिग्री, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, I नॉट बाई रूट टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस बेसिक से क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर हम आगे बढ़े और क्वेश्चन को करें, तो मान लो हमें किसी ने क्वेश्चन दिया कि I इज इक्वल टू टेन साइन टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, मान लो हमें यहाँ पे करेंट फाइंड करना है, कब, जब टाइम आपका टी बाई 24 है, तो अगर हमें करेंट फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करें, तो जो करेंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2 ओमेगा टी बाई 24 प्लस पाई बाई 3, तो हम यहां पर अगर इसको काट देंगे तो ये इसको जोड़ लेंगे, ओमेगा टी की जगह हम क्या रख देंगे, हमने सीखा ना ओमेगा टी की जगह 2 पाई रख देंगे, तो यहां पर जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टेन साइन, ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई 6, ये हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है, जब हम उनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 पाई बाई 18, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि करंट आ जाएगा 10 एम्पियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के। अगली जो टाइप होती है करंट की वो होती है पीक वैल्यू, मतलब करंट में आप क्या देख रहे होते हैं, पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू आप निकाल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल रहे हैं करंट की, और ध्यान रखना करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आई इज इक्वल टू टेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू साइन ओमेगा टी, मान लो मैंने यहां पे यूज किया, और आई नॉट की वैल्यू सपोज मुझे फाइंड करनी है, तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट, मैं कैसे यहां पर आई नॉट की वैल्यू फाइंड करूंगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे अगर आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब इसकी एसी की प्योरेस्ट फॉर्म क्या थी इक्वेशन की, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन को लाना पड़ेगा जिससे ये एसी की इक्वेशन लगे, ठीक है। कैसे, मुझे करना पड़ेगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो साइन ओमेगा टी है ये तो अलग है, लेकिन ये जो आई नॉट होगा यही पीक वैल्यू होगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की यही होने वाली है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे हमारा ये जो ग्राफ होता था इसमें ये वाली जो टॉप वैल्यू थी उसको मैक्सिमम वैल्यू हम कह रहे हैं, ठीक है, इस मैग्नीट्यूड को करंट के। अगर हम यहाँ पर देखें तो सपोज एक इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो टेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू साइन ओमेगा टी फिर से लिखा हुआ है, हमें इसको कैसे भी सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स हमें आनी चाहिए। अब ये जितनी बेसिक मैथमेटिक्स की यहाँ पर जरूरत है वो मैंने अल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 1 में बता दी थी, ठीक है, तो आई होप अगर किसी ने वो देखा है तो सबको क्लियर होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स अल्टरनेटिंग करंट में जो यूज करी गई है वो लेक्चर नंबर 1 ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में डिस्कस करी गई है। अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, अगर हम यहां पर इसको देखें तो हम देखें तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री के बराबर है। अगर किसी ने बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत देखा है तो वहां पर मैंने बताया साइन 90 प्लस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब ये जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है ये कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा और साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो करंट की वैल्यू आएगी, अगर हम यहां पर देखें, हम यहां पर कुछ ऐसा कर दें कि हमारा ये पूरा भी किसमें बदल जाए, साइन में, तो कैसे बदलेगा, हमें अगर एक फॉर्मूला याद हो हाफ एंगल फॉर्मूला जो बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस किया गया है तो वो क्या था, साइन टू थीटा इज इक्वल टू, वो जो फॉर्मूला था वो ये था कि जो साइन टू थीटा होता है वो होगा हमारा टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर अगर हम 5 को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, मतलब अगर हम मैच करें किससे, इस वाले फॉर्मूले से, तो ये कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें। तो ये जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से जो आई नॉट की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, ठीक है ना, तो यहां पर आपका जो मैक्सिमम करंट है वो 5 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, a sin ओमेगा t
माइनस बी कॉस ओमेगा टी। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देखे हैं थोड़े बहुत, तो या फिर बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो वहां पर मैंने बताया था जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था? मैंने बताया था कि मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो दोनों के जो भी कोफिशियंट है, जो दोनों टर्म के, उनका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका अंडर रूट मार दो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो आई नॉट की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो इसके बराबर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू है वो इतनी आ गई, ये भी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था वैसे। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट भी इतना ही आएगा। तो आगे से हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारा क्वेश्चन इस तरीके का होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी या फिर ए साइन ओमेगा टी माइनस बी कॉस ओमेगा टी, तो वहां पर जो रिजल्टेंट आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका अंडर रूट के बराबर आएगा। ठीक है, इसको हमने फेजर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करें इसी के बेसिस पे, तो हमारा क्या क्वेश्चन हो सकता है, मान लो क्वेश्चन आ गया पेपर में आई इज इक्वल टू फाइव साइन ओमेगा टी प्लस 30 cos ओमेगा टी, इस तरीके से सपोज कोई क्वेश्चन आया। अब हमें कैसे करना है, तो यहाँ पर अगर हमें आई नॉट निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 169। देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, अगर लॉन्ग मेथड से करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बस हमें दोनों को उठाना है और दोनों का स्क्वायर उसका अंडर रूट कर देना है, हमारे मैक्सिमम वैल्यू की करंट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रहेंगी, नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे तो पेपर तक सारी चीजें ध्यान रहेंगी। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा जो अगली टाइप की वैल्यू होती है करंट की, पहली थी इंस्टेंटेनियस, दूसरी थी पीक वैल्यू, अब है एवरेज वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो कैसी होती है, तो जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की, ध्यान रखना उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो खोपचे लगाए जाते हैं या ब्रैकेट हम जिसे कह सकते हैं, तो ये जो लगाए जाते हैं ये एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए जाते हैं। वैसे भी हम एक बार देख भी चुके हैं साइन ओमेगा साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स का एवरेज वैल्यू जीरो आई थी, फिर हमने स्क्वायर का भी देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने उसके लिए भी एवरेज के लिए यूज किया था, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हमने यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू अगर हमें कभी निकालनी है तो ये कुछ कुछ ऐसा है जो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था। एवरेज वैल्यू जब हम वहां पे निकालते थे वेलोसिटी की या फिर एक्सेलरेशन की, टाइम एवरेज, डिस्टेंस एवरेज, तो ये कुछ कुछ ऐसा ही होगा, इंटीग्रल आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी। ठीक है, इसमें जो लिमिट लगेगी वो लग जाएगी, देखो क्योंकि डी टी है मतलब टाइम वेरी कर रहा है, टी वन से टी टू, दैट्स इट। इतना अगर हमें आ गया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन अगर हम इसके ऊपर करें तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन जो हो सकता है, अगर हमें टाइम एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी वाले फॉर्मूले वगैरह जो मैंने एवरेज वेलोसिटी के बाद समझाए थे लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा काइनेमेटिक्स का, उसमें जो मैंने डिस्कस किया था, तो वही यहाँ से फिर से रिपीट हो गया है। तो इसीलिए फिजिक्स जो है ना, जो फिजिक्स का जो करिकुलम बनाया गया है वो इसी हिसाब से बनाया गया है कि एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है या चीजें हैं वो दूसरे चैप्टर में काम आ जाती है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले काइनेमेटिक्स है, उसके बाद बाकी सब चीजें हैं। अब यहाँ पर मान लो हमें फाइंड करना है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो यहां पर हमें अगर फाइंड करना है, मान लो आई है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल, हमें मान लो एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में करंट का यूज करके, मतलब एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो फुल साइकिल के लिए कितनी होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो लेट्स गिव अ ट्राई, एक बार ट्राई करा जाए इसको, है ना, रफ कॉपी पर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई की एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां पर हो जाएगा आई नॉट, अच्छा साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, जीरो, तो आंसर भी पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला, अगर हम कभी भी फुल साइकिल के लिए करंट का एवरेज निकालने लगे अल्टरनेटिंग करंट का, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट आगे तक ध्यान रखना है, आगे से हमें इस रिजल्ट को ध्यान रखना है कि फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमेशा क्या आने वाली है, जीरो, लेकिन हाफ साइकिल के लिए, आधी साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आएगी वो ध्यान रखनी है 2i0/π आएगी। ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं आरएमएस वैल्यू, ये चौथे नंबर की वैल्यू है, पहले की थी इंस्टेंटेनियस, दूसरी थी हमारी पीक, तीसरी ही थी हमारी ये एवरेज वैल्यू, चौथी है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर।
ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो बड़ी तगड़ी सी होती है, लोगों को समझ में नहीं आती, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो उससे कभी नहीं आएंगे। मान लो क्वेश्चन हमने लिखा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो देखो रूट मीन स्क्वायर में जो हमारा मीन है मतलब जो एवरेज वैल्यू है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर में हमें ध्यान रखना है कि मान लो हमें, देखो ये प्योरेस्ट एसी की इक्वेशन है, इसके तो सारे रिजल्ट हमें समझ में आने चाहिए। जैसे हमने आधी साइकिल के लिए जब एवरेज वैल्यू निकाली तो कितनी आ रही थी, 2i0/i, ये इसी के लिए आई थी, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में बता देता हूँ एक जनरल फॉर्मूला। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी i0/√2, ये हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और रिलेशन है पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का। ध्यान रखना ये रिलेशन सिर्फ हमारा करंट तक सीमित नहीं है, ये हमारा वोल्टेज के लिए भी होगा, पावर के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है जो अल्टरनेटिंग करंट में है। तो यहाँ पर IRMS VRMS है ना, ध्यान रखना। अगर मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पर, तो जैसे हम क्वेश्चन करें तो मान लो करंट है हमारा 3+4 sin ωt, ठीक है। तो मान लो IRMS हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालें, IRMS निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर उसका मीन उसका रूट। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करें तो कैसे करेंगे, ये a मान लो ये b मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे, अगर हम 9+16 sin ω t प्लस ये हो जाएगा हमारा 24 sin ω t, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसका क्या कर दें, इसका मीन कर दें, तो हमारा आधा काम हो जाएगा, फिर हम उसका रूट कर देंगे। स्क्वायर हमने कर दिया, देखो हमें पीछे से चलना है, ठीक है, हमें स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन करना है, फिर उसका रूट करना है। अब हमें स्क्वायर कर दिया, अब क्या करना है, मीन करना है। मीन मतलब ऐसे हमने खोपचे लगा दिए, इसमें हम ब्रैकेट लगा दिए एवरेज वाले, अब इसका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकाले, देखो 9 का तो 9 ही रहेगा, 16 का 16, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, हाफ होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं, और इसका एवरेज क्या होगा, 0, है ना, साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है, तो इसकी जगह हमने 0 रख दिया। अच्छा ये सब मैंने बताया था ऑलरेडी और क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत आ रही होगी। ये हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अभी तक क्या क्या हुआ है, स्क्वायर और उसका मीन। अच्छा अब क्या करना है, रूट करना है, मतलब यहाँ पर भी रूट लगा दो, यहाँ पर भी रूट लगा दो, इसका मतलब क्या है, आंसर कितना आ गया हमारा IRMS का, IRMS का आंसर आ गया √17 एम्पियर, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन अगर हम करें तो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 sin ωt - 4 cos ωt, ठीक है। मान लो हमें IRMS फाइंड करना है फिर से, तो कैसे फाइंड करेंगे, IRMS फाइंड करने में पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, स्क्वायर कर लो 9 sin ω t, है ना, हम क्या कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं एक तरीके से। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a² + b² - 2ab आता है ना, तो a² + b का स्क्वायर कितना आएगा, 16 cos² ωt, फिर -2ab, मतलब -2, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। देखो इनके लिए तो हम पहले से 0 ही रख देते हैं, कारण क्या है, क्योंकि जब इसका एवरेज निकालेंगे दोनों का वो 0 ही आने वाला है, तो हम फालतू में क्यों स्पेस को भरें। तो हमारा यहाँ पर ये जो मीन आएगा कितना आएगा, मीन जो आएगा इसका, देखो 9 की जगह 9 sin² ω t का मीन आ जाएगा आधा, cos² ω t का भी आधा, और ये 0, ये 2 8 बार गया, तो हमारा ये आ गया मीन। अब इसका रूट भी करना है पूरे का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे IRMS, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 + 8, ठीक है। तो कितना हो गया ये 8 2 16 16 + 9 25 / 2, तो यहाँ पर जो IRMS की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 25/2 उसका होल रूट। इसको और सॉल्व करें तो 5/√2 एम्पियर, ठीक है। तो इतनी हमारी वैल्यू आ गई RMS की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे 10वीं सेकंड में इन क्वेश्चंस को निपटाना है, ठीक है। जो दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उसको इतना बड़ा समझना नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हम क्या करते, हम सीधे अपनी शॉर्ट ट्रिक लगा देते। शॉर्ट ट्रिक कौन सी है हमारी, जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमें याद आनी चाहिए, वो शॉर्ट ट्रिक थी हमारी I0 की, पीक वैल्यू की। तो पीक वैल्यू कैसे निकालते, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। अगर पीक वैल्यू आ गई तो RMS वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/√2, है ना। देखो कितना आसान था, 1 सेकंड में हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, हम पिछली वाली में क्यों नहीं लगा रहे थे? पिछली वाली ध्यान रखना एसी की प्योर इक्वेशन नहीं है, जबकि ये वाली एसी की प्योर इक्वेशन है, इसीलिए हम इसमें ये ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते, इसमें लगाएंगे केवल इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और होता तो भी नहीं लगा। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ फेजर, देखो फेजर का लोचा क्या है, फेजर कई चैप्टर्स में समझा दिया जाता है, हमने SHM के अंदर भी देखा, वेव मोशन के अंदर भी देखा, फिर उसके अलावा हम यहाँ पर भी देख रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी मैंने फेजर बताया था, मतलब लेक्चर्स के अंदर बताया है। अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर्स देखे होंगे फिजिक्स के तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा फेजर कितनी जगह पर आता है और किसका क्या यूज है। तो फिलहाल हम फेजर की बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के पर्सपेक्टिव में, कि भाई अल्टरनेटिंग करंट में फेजर का कैसे यूज करेंगे। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यूज अल्टरनेटिंग करंट में है फेजर का, क्योंकि पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर बेस्ड है। तो फेजर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा किसमें, आपका दूसरे नंबर पे यूज हो सकता है SHM में, वेव मोशन में, और फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स वगैरह में, ठीक है। तो ये फेजर इतनी जगह पे काम आ जाता है ना। अब ये फेजर ब्लॉक क्या है, क्या चीज है ये फेजर? ये फेजर जो होता है वो बेसिकली आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्केलर चीजों का वेक्टर फॉर्म में, मतलब यहाँ पर चीजें स्केलर होंगी लेकिन उनको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं अब जल्दी से यहाँ पर फेजर के बारे में दो चार पॉइंट बता देता हूँ जिसके बाद हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लो इस तरीके का हमने एक फेजर बनाया, ठीक है, और हम यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो हमारी क्या है, I = I0 sin ωt। ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट की प्योरेस्ट इक्वेशन है, मतलब मेन इक्वेशन है सबसे बेसिक। अब यहां पर अगर हम देखें तो हम इसको रेफरेंस अगर मान के चले, तो अगर हम इसको रेफरेंस मानेंगे इस वाली लाइन को, तो हमारा यहां पर अगर हमने इसको रेफरेंस मान लिया तो हमारा जो ये आई नॉट है वो कितना आगे रहेगा, ओमेगा टी आगे, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसको हमने माना है जीरो रेफरेंस, यहां पर हमने जीरो करंट माना है, तो ओमेगा टी आगे आपका आई नॉट है ना। अब आपने एक चीज देखी, ये था स्केलर, करंट स्केलर होता है, अगर करंट स्केलर है तब भी हमने उसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर लिया, और अभी हम आगे समझेंगे जब हम सर्किट्स एलिमेंट पढ़ेंगे, LR सर्किट, RC सर्किट, इस तरीके की चीजें हम देखेंगे, तो हम वहां पर और अच्छे से चीजों को समझेंगे। अगर मैं आगे बढ़ू तो ये था हमारा जब मैंने इस वाली लाइन को जीरो पर ले लिया, ठीक। अगर मैं यहां पर आगे देखूं तो अगर मैं इस वाली लाइन पर ओमेगा टी रेफरेंस ले लूं तो क्या होगा कि जो हमारा फेजर बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली मान लो अगर उसमें फाई जैसे, लेकिन इसकी जो इक्वेशन है वो ध्यान रखना वो कुछ ऐसी हो जाएगी, मतलब ये आपका आई नॉट फाई से आगे होगा, ठीक है, ओमेगा टी से। तो अब अगर मैं सिंपल इक्वेशन की बनाऊं जो प्योरेस्ट फॉर्म की हम बात कर रहे थे, तो उसका यहीं पर बनेगा फिर अगर मैं ओमेगा टी रेफरेंस लूं। तो दो तरीके के ग्राफ हैं, एक बार जीरो रेफरेंस, एक बार ओमेगा टी रेफरेंस, बट हम जीरो रेफरेंस वाला यूज नहीं करेंगे, हम ओमेगा टी रेफरेंस वाला ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है, पूरे ही चैप्टर। अब आते हैं अल्टरनेटिंग करंट के मेन पोर्शन पे। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के सर्किट हमें देखने को मिल सकते हैं, पहले सर्किट रजिस्टर वाले मिल सकते हैं जिनमें केबल और केबल रजिस्टर है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर आपका रजिस्टर है, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारा जो करंट होगा वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारा करंट होगा, बेसिकली हमें ध्यान रखना है रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं चेंज करता है, वो जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है उसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे अलग से, लेकिन इसमें आपकी नॉर्मल चीजें ही रहती हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वही हो जाएगा वी नॉट बाई आई नॉट, मतलब वी बाई आई, या फिर VRMS by IRMS, ठीक है। और यहां पर अगर हम इसका ग्राफ बनाएं बेसिकली R का ओमेगा के साथ, तो ओमेगा के साथ R का कोई चेंज नहीं होता है, R इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो R आपका जो है यहां पर ओमेगा के यहां पर कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, एकदम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओमेगा बढ़ाते जाओ R वही रहेगा, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो आपका AC हो या चाहे DC हो,
आर को कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस हमेशा एक ही जैसा काम करता है। तो बड़ा सिंपल सा है ये, ठीक है, तो काफी सिंपल है पढ़ने में भी। अच्छा, तो क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी थी तो आपकी वी नॉट भी इधर आ जाएगा, आई नॉट भी इधर आ जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि हम इसको बेस ओमेगा टी वाला लेकर चलेंगे, जीरो वाला नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर दोनों यहीं पर लैंड करेंगे, ठीक है, दोनों इसी पर हम रिप्रेजेंट कर सकते। ये था हमारा पहला, जब हमने रजिस्टर लिया, जो बहुत सिंपल सा था, हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे किसको, इंडक्टर को। तो इंडक्टर को देखें तो L से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारा इंडक्टर हो गया, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हो गया। अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारा जो करंट होगा इंडक्टर के थ्रू वो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है, तो ये हमारा करंट थ्रू जो इंडक्टर से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है जो करंट है वो आपका लैग कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान बाद में समझ में आ जाएगा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा याद रखने की। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, लेकिन वोल्टेज आपका माइनस पाई बाई टू वाला नहीं आता है, वोल्टेज का कुछ अलग रहता है, मैं भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जो आपका वी नॉट बाई आई नॉट है, मतलब जो रजिस्टेंस है यहाँ पर इंडक्टर का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, ठीक है, इसका मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, जैसे आपका आर होता था रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, तो ये होता है इंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के। अब ये कहां से आया, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे होते हैं, तो वहां से आता है, ये जो आपका आप देख रहे हैं यहां पर आई नॉट, इसकी जगह पर वी नॉट बाई ओमेगा एल होता है बेसिकली, ठीक है, तो हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाता है। तो यहां पर हमारा वी नॉट बाई आई नॉट जो आपका क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं, वो ओमेगा एल के बराबर यहां पर होता है, ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर दिस, वी हैव टू कीप इट इन माइंड। ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जबकि एल हमारा इंडक्टेंस है। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं आगे इसका फेजर बनाऊं, तो ये हमारा आई नॉट हो जाएगा, ये हमारा वी नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये साइन ओमेगा टी है, और ये हमारा यहाँ पर मतलब वोल्टेज हमारा पाई बाई टू से यहाँ पर लीड कर रहा है, ठीक है, मतलब करंट अगर यहाँ पर है तो वोल्टेज यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज जो है वो आपका आगे चल रहा है करंट से, ठीक है, तो ये हमारी इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ। ये हमारा था इंडक्टर, अब हम देखेंगे कैपेसिटर। तो अगर हमने कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया तो हमारा यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स भी हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो करंट की इक्वेशन होती है वो होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है, तो जो आई है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो करंट है वो हमारा फिर से क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लस पाई अपॉन टू है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हमें फेजर अगर हम बनाए तो यहाँ पर जो हमारा करंट है वो आपका लीड करता है कंपेयर टू पोटेंशियल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब हम यहां पर देखें तो कितने से लीड कर रहा है, पाई अपॉन टू से, करंट इज लीडिंग बाई पाई बाई टू। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी आपका वी नॉट बाई आई नॉट या फिर वी आर एम एस बाई आई आर एम एस किसके बराबर होता है, आपका एक्स सी के बराबर, ठीक है, मतलब इंडक्ट जो आपका कैपेसिटर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर, ठीक है, और ये होता है वन अपॉन ओमेगा सी के बराबर, ठीक है, ओके, तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अब ये कहां से आया, फिर से वहीं से आया जब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसका फेजर देख, हमने फेजर इसका देख ही लिया, इक्वेशन हमने देख ही ली, ठीक है, तो यहां पर हमने काफी सारी चीजें देखी। मैं अभी आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे हम ध्यान रखेंगे किसमें कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो याद रखने का तरीका है आईपीएल, ठीक है, ये अभी आने भी वाले हैं तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। आईपीएल मतलब आई फॉर इंडक्टर, पी फॉर पोटेंशियल एंड एल फॉर लीड, ठीक है, मतलब इंडक्टर में कौन लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है। ध्यान रखना लीड हो या लैग हो वो हमेशा पाई अपॉन टू से होगा, पाई अपॉन टू का मतलब 90 डिग्री, तो हमेशा पाई अपॉन टू से होगा, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, ठीक है, चाहे लीड कर रहे हो चाहे लैग कर रहे हो। लीड और लैग सिर्फ पोटेंशियल और करंट करते हैं। अब मान लो कैपेसिटर में क्या होगा, सीसीएल, ठीक है, मतलब कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, सी फॉर करंट एल फॉर लीड, ठीक है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा पाई अपॉन टू से, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा पाई अपॉन टू से, ठीक है, इन दोनों को हमें ध्यान रखना है एकदम। अब हम यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, हम इसको रफ कर देते हैं पहले, ठीक है, मान लो पहले हमने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर हमने इंडक्टर लिया, ठीक है, और हमने एक कैपेसिटर भी ले लिया,
अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले एक और चीज हमें पता होना चाहिए, वो है आरसी सर्किट के कॉन्सेप्ट और जो हमारा एलआर सर्किट है उसके कॉन्सेप्ट, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल एज आपका किसमें पढ़ लिया है, आपका जो कैपेसिटर था उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया, ठीक है, और हमने क्या किया, एक और यहाँ पर सर्किट बनाया, मतलब हमने एक और ब्रांच इसमें ऐड कर दी। फिर हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस और लिया, और अब की बार बैटरी जोड़ी है कैपेसिटर की जगह पर। इनकी वैल्यूज लिख देता हूं मैं, ये है 20 ओम का, ये है 20 हेनरी का, ये है 500 माइक्रोफेरेड का, और ये है 10 ओम का, ये है 10 हेनरी का, ये है 5 ओम का, और ये है 5 माइक्रोफेरेड का, ये है 15 ओम का, और ये है 5 वोल्ट की बैटरी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगर हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया है, ठीक है, अगर मान लो हमने एक एमीटर लगा दिया है तो इस एमीटर की क्या रीडिंग होगी, ये हमें बताना है। मतलब एक तरीके से कितना करंट फ्लो कर रही होगी वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे सोचनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो निकालना था वो एमीटर की रीडिंग निकालनी थी, ठीक है। तो एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो है सारी चीजें, देखो हमें जो है 15 ये वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट की बैटरी दी गई है, 15 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का, 20 ओम का। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है आपका, सबसे पहले तो हमें वोल्टेज पता है 5 वोल्ट, ठीक है। निकालना क्या है हमें, करंट, क्योंकि एमीटर की रीडिंग निकालने का मतलब क्या होता है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है ये कैसे फाइंड करें, ये भी बड़ा इशू है। देखो अगर आप देखें तो ये जो कैपेसिटर है, तो हमने पढ़ा था आरसी सर्किट, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है। हमने कैपेसिटर की वीडियो में पढ़ा था आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट में हमने देखा था कि कैपेसिटर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है एक टाइम बाद, यानी कि इसमें से करंट आपका, ठीक है, अगर आप देखें तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा आप, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इसका आप कोई मतलब नहीं बचा है। मैं इसको इरेज कर दूं तो भी कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। तो लेट इरेज दिस। अब बची ये वाली लाइन। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यानी कि हमारा जो करंट है इन दोनों से पास हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये तो ऑब्वियस ही बात है, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक शॉर्ट वायर की तरह। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एकदम शॉर्ट वायर की तरह, मतलब कुछ है ही नहीं कुछ देर बाद। फिर ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, फिर से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट वायर की तरह, लेकिन ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, टूटे हुए वायर की तरह। तो इसका मतलब करंट इसमें से भी पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ऊपर वाली तो हटी गई है ना, सिर्फ ये वाला और ये बची। अब देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, यहाँ पर 15 ओम, यहाँ पर 10 ओम, इतना रेजिस्टेंस यानी कि 25 ओम, तो करंट कितना होगा, 5/25 यानी कि 1/5 एम्पियर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा, मान लो इस तरीके से आपका, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं XL, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमारे दो इस तरीके से सर्किट हैं, तो एक ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, तो हमें यहाँ पर L1/L2 निकालना है। तो हम कैसे निकालें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम, वो हमें सोचना चाहिए, फिर उसके बाद हम इसको आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गिव अ ट्राई। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो एक्स एल है वो ओमेगा एल के बराबर होता है। अब ओमेगा का यहाँ पे क्या रिलेशन है, इस फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है, ओमेगा होता है 2πf। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो एक्स एल हमारा कितना हो जाएगा, पहले केस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1060 डिग्री, ठीक है। अच्छा 1060 डिग्री जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, XL बाई F की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं देखूं तो 1060 डिग्री इसमें स्लोप है, मतलब y एक्सिस वाली चीज है अपॉन x एक्सिस। अब XL का मतलब ओमेगा L होता है और ओमेगा मतलब 2πf, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू होती कितनी है, √3, है ना। तो ये हो जाएगा √3 XL बाई F, अगर मैं यहां पर देखूं तो पहले केस में। ऐसे दूसरे में देख सकते हैं,
तो अगर मैं देखूं तो ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। तो यहां पर अगर एक्स एल एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं एक्स एल वन, मतलब अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर इसको अगर सही से सॉल्व करूँ तो 2 पाई f, है ना, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा और इंटू L1 डिवाइडेड बाई f, f से f गया, ठीक है। तो हमारा जो √3 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई L1 के। अब ऐसे ही दूसरे केस में देख लो, दूसरे केस में 1 बाई √3 आ जाएगा जो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स एल मतलब 2 पाई f, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका f, है ना, ये तो होना ही है क्योंकि x एक्सिस वाली चीज है, इंटू L2। तो फिर से ये हो गया, यानी कि फिर अब 2 पाई का भी कोई इंपोर्टेंस नहीं बचा, कट जाएगा। हालांकि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, तो हम यहाँ से 1 बाई 2 जब करेंगे तो हमारा जो आंसर है ना, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट सॉरी डिवाइड करूंगा दोनों को, आप अपनी रफ कॉपी पे ट्राई कर सकते हैं, तो जब हम इन दोनों को जो है करेंगे तो हमारा जो L1 और L2 का रेशियो आएगा वो 3 बाई 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान यहाँ पे रखनी है, ध्यान रखना L1 बाई L2 का रेशियो है। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये L1 ये रहा और L2 हमारा इसमें है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं LCR या फिर RLC सर्किट, मतलब ये ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा इंडक्टर, ये हो जाएगा कैपेसिटर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू V0 sin ωt, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा V0 R और I0, ये हो जाएगा हमारा I0 और V0 L, ये हो जाएगा हमारा I0 और V0 C। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां जब हम इसको आगे देखेंगे, इसका फेजर वगैरह बनाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, अगर हम इसका फेजर बनाएं तो जो रेजिस्टेंस है वो तो सीधे पास करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो अगर हम देखें तो हमारा ये जो फेजर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के केस में दोनों ऐसे आ जाएंगे। अच्छा, अब आपका जो पोटेंशियल है इंडक्टर में लीड करेगा, कैपेसिटर में लैग करेगा, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, यानी कि ये सारी चीजें स्केलर है लेकिन फिर भी हम इस फेजर पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फेजर का फायदा यही है, स्केलर चीजों को भी वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करके सॉल्व किया जा सकता है जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए, क्योंकि फेजर बेसिकली जुगाड़ होता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये हमारा पोटेंशियल हो गया और ऊपर हो जाएगा V0 L - V0 C, ठीक है, दोनों वोल्टेज में से मैंने घटा दिया, बड़े में से छोटा मान लेते हैं, बड़ा ऊपर वाला है, छोटे वाला नीचे है, ठीक है। अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, पर यहाँ पर पोटेंशियल लीड करेगा तो इसीलिए हमने मान लिया कि ऊपर वाला जो बड़ा है नीचे वाला छोटा है ना, मान लिया हमने, तो बड़े में से छोटा घटाना है, सीधी बात यह है। तो हमारा जो नेट आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा और ये जो एंगल आएगा इसको हम फाई कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो हमारा वी नॉट है वो हो जाएगा आपका √V0 L - V0 C का स्क्वायर प्लस V0 R का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा यहाँ से नेट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा XL - XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें, सब जगह पर करंट की वैल्यू रख दें तो करंट से करंट कट जाएगा, तो हमारा जो इधर बचेगा, इधर आपका रेजिस्टेंस बचेगा, ऊपर बचेगा XL - XC, तो हमारा जो इम्पीडेंस का आएगा वो भी सेम तरीके से आएगा, तो हम उसको भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमें सब ध्यान रखनी है। एक होता है टेन फाई, तो जो टेन फाई है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V0 L - V0 C / V0 R, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर टेन फाई भी हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में, टेन फाइव मतलब ये वाला वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस वाली चीज है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन करें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा गया कि एक बल्ब है, ठीक है, उसका इंडक्टेंस हमने ले लिया 0.1 हेनरी, ठीक है, और एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया और उसको हमने डीसी वोल्ट से कनेक्ट किया जो 100 वोल्ट का है, ठीक है। एक बैटरी ले ली जो 100 वोल्ट की है, ध्यान रखना पहले डीसी से कनेक्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट पड़ रहे हैं, पर फिर भी हमने पहले डीसी से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। और आपका जो सर्किट में करंट है वो कितना है, 2√5 एम्पियर है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आपने क्या किया, अब इस बल्ब को हटाकर आपने कहाँ लगा दिया, आपने एसी सर्किट में लगा दिया, पहली सिचुएशन ये है। दूसरी केस में आपने क्या किया, यही सब कुछ किया,
रेजिस्टेंस भी वही है। आपने इस बल्ब को एक एसी सर्किट पे लगा दिया और एसी सर्किट में 100 वोल्ट कॉमा 100 बाई पाई हर्ज का सिस्टम है, तो आपको यहाँ पर इंडक्टेंस जो है वो 0.1 हेनरी है। और आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो ये इंडक्टर है ये 0.1 हेनरी है, तो करंट हमारा इतना दिया गया है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जो हो जाएगा V बाई I। वोल्टेज कितना है 100, करंट कितना है 2√5, तो आंसर कितना आया 10√5, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली 10√5 ओम। इसका मतलब हमें इस वाले में ये वाली वैल्यू पता चल गई 10√5 ओम। अब हमें करंट निकालना है, पहले करंट दिया था अब निकालना है, तो करंट क्या होगा इस केस में, अब देखो एसी सर्किट हो गया, उसको तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया क्योंकि डीसी था, क्योंकि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। लेकिन अब की बार चीजें चेंज हो गई है, अब की बार अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन हो गया है। एक और चीज ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज आपको दी जाएंगी वो वैल्यूज आपकी आरएमएस वैल्यूज होंगी, ये सब आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम यहाँ पर करंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, हमारा वोल्टेज है 100 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर XL देखें, मतलब इसके अंदर अगर हम XL का मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टर का रिएक्टेंस देखें। अच्छा, हमने इसमें क्यों नहीं देखा था, इसमें ध्यान रखना DC जो है वो आसानी से पास हो जाता है और एक टाइम बाद क्या हो जाता है, मैंने आपको बता रखा है उसमें EMI में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने सर्किट पढ़े थे LR सर्किट, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो आपका ये इंडक्टर होता है कुछ टाइम बाद कैसा बिहेव करता है, एकदम शॉर्ट वायर की तरह, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन एसी में नहीं करता है ऐसा, तो इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जिसको हम XL कहते हैं। XL का मतलब क्या होता है, ओमेगा L। अच्छा, ओमेगा हमें यहाँ से पता चल जाएगी, इतने हर्ज फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा होता है 2πf, ठीक है। तो XL की वैल्यू हो जाएगी 2πf × L, यानी कि 2π × फ्रीक्वेंसी है 100/π और L की वैल्यू हमारी कितनी है 0.1, तो ये आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो हमारा XL की वैल्यू 20 ओम आ गई। हाँ, ध्यान रखना यूनिट भी ओम रहती है, ठीक है, रेजिस्टेंस है ना, तो यूनिट इसकी ओम ही रहेगी, ये 20 ओम यहाँ पर आ गया, इसका इतने ओम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा जो जेड होता है। अच्छा, जेड कितना होगा, जेड होगा आर का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, अगर इसमें कैपेसिटर भी होता तो माइनस XC भी कर देते, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमारा कितना है 10√5 है। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, उसने किस तरीके से वैल्यूज दिए कि बच्चा स्क्वायर करेगा तो फटाफट आंसर आ जाए, है ना। और हमारा जो इसकी वैल्यू आई है वो ये XL आया है हमारा 20, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 400, तो आंसर आ गया 900, ठीक है। ये आपका केवल जेड आया है, क्वेश्चन पूछा है करंट, करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन जेड, तो वोल्टेज है हमारा 100 वोल्ट, है ना, और जेड हमारा कितना है 30 है, भाई अंडर रूट 900 क्या होता है, 30 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 10/3 एम्पियर, ठीक है। आरएमएस करंट की वैल्यू आ चुकी है 10/3 एम्पियर। अगर इसी में आपसे पीक करंट पूछ ले तो ये आरएमएस करंट है, तो पीक करंट और आरएमएस करंट का रिलेशन होता है IRMS = I0। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर तो हम यहाँ पे और चीजें देखेंगे अभी, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमने क्वेश्चन समझा वो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 60 वोल्ट, यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस 60 वोल्ट पोटेंशियल है, जो इंडक्टर है वो उसके अक्रॉस मान लो 170 वोल्ट पोटेंशियल है और कैपेसिटर के अक्रॉस मान लो 90 वोल्ट पोटेंशियल है, और हमने इसको क्या कर दिया, एक अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ दिया, ठीक है, सर्किट बना दिया। क्वेश्चन पूछा है हमसे VRMS की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये जो हमारा बेसिकली आपका अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है इसमें वोल्टेज RMS की वैल्यू कितनी रहेगी, तो कैसे निकालेंगे। RMS की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 60 वोल्ट 170 वोल्ट और 90 वोल्ट इन सबको यहाँ पर सीधे सीधे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था बेसिकली किस तरीके से हमने यहाँ पर VRMS अभी भी देखा था पीछे की साइड, जब हम फेजर पढ़ रहे थे RLC सर्किट का, तो वहाँ पर हमने सीखा था, ठीक है। तो उसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये सारी वैल्यूज आपकी जो कर सकते हैं हम यहाँ पर आपका सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस बड़े में से छोटा घटा देंगे 170 में से 90 और आपका इसका स्क्वायर कर देंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √10,000। तो 10,000 को सॉल्व करेंगे तो 100 वोल्ट आ गया, ठीक है, पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब मान लो कोई इसी के अंदर आपसे IRMS पूछ ले, तो अगर आपसे IRMS पूछ लेगा तो वो होगा आपका VRMS / Z। अब VRMS की वैल्यू 100 वोल्ट है और Z की वैल्यू कितनी है,
जेड की जो वैल्यू है वो हमारी है यहाँ पर, हमें निकालनी पड़ेगी अब, ठीक है। अब जेड की वैल्यू कैसे निकालें, ये भी बड़ी दिक्कत। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर आपको शायद दी गई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको और कुछ नहीं दिया गया है। तो जेड की वैल्यू मान लो 50 ओम है, ठीक है, ये आपको दी जाएगी क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट नहीं हो सकता है कभी भी। तो जेड की वैल्यू मान लो 50 है, तो आंसर आ गया हमारा 2 एम्पियर। अब ये IRMS है, तो आई नॉट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आई नॉट जो होता है वो होता है IRMS मल्टीप्लाई रूट 2, तो ये हो जाएगा 2√2 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर हमारा 100/π माइक्रोफेरेड इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस है, और हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स हमने लगा दिया, मतलब सिर्फ कैपेसिटर का क्वेश्चन है, और अल्टरनेटिंग सोर्स के बारे में आपको दिया गया है 282.8 sin 200 πt, इस तरीके से हमारा वोल्टेज यहाँ पर इसके अक्रॉस है। तो हमें क्या क्या निकालना है, एस सी निकालना है जो होगा 1/ωc। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओमेगा होता है हमारा 2πf, ठीक है। तो यहाँ पर 2πf की अगर हम बात करें तो ओमेगा हमारा 2πf है, तो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें ओमेगा पता चल गया 200π, सी की वैल्यू हमें 100/π दी गई है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 1234, यानी कि 10^-4, यानी कि यह आ जाएगा 0.5×10⁻⁴, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके ला सकते हैं, एक्स सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब यहाँ से एक्स सी की वैल्यू हमने निकाली, मान लो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया पीक करंट, तो पीक करंट कैसे निकालेंगे, पीक करंट निकालने का सिंपल तरीका वोल्टेज डिवाइडेड बाई आपका एक्स सी, ठीक है। अब वोल्टेज पीक वोल्टेज होना चाहिए, ध्यान रखना, तो पीक वोल्टेज ही ये होता है, हम जानते हैं, क्योंकि V=V0 sin ωt होता है। तो ये V0 की वैल्यू है, तो V0 की वैल्यू है 282.8 वोल्ट। अच्छा, एक्स सी की वैल्यू कितनी आई, एक्स सी की वैल्यू आई 0.5×10⁻⁴, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये माइक्रोफेरेड भी था, तो अगर हम माइक्रोफेरेड से भी मल्टीप्लाई करें तो ये +6 हो जाएगा, मतलब जब ऊपर जाएगा 10^6, तो ये हो जाएगा हमारा 50 ओम। तो ये जैसे 50 ओम हुआ तो हमारा क्वेश्चन और आसान हो गया, यहाँ पर हमने 50 रख दिया तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है IRMS, तो IRMS होता है I0/√2, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन, अब अगले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रेजोनेंस सर्किट के, ठीक है, रेजोनेंस सर्किट के क्वेश्चन। तो रेजोनेंस सर्किट के क्वेश्चन में क्या खास बात होती है, ये होते तो आपके वही है LCR, या आप कह सकते हो इस, ये हमारा रेजिस्टेंस बनाते हैं, इसको इंडक्टर बन गया है, तो मतलब बेसिकली ये होते तो वही है RLC सर्किट या LCR सर्किट, जिन किसी भी नाम से कह सकते हैं। तो बस इसमें फ़र्क क्या रहता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा R हो गया, ये हमारा L, ये हमारा कैपेसिटर। तो हमारी यहाँ पर एक यहाँ पर फ़र्क ये रहता है कि ये जो हमारा सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का, उसका जो ओमेगा है वो बेसिकली 1/√LC के बराबर रहता है, ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का रूट है ये। तो ओमेगा अगर इतना है तो हमारा ये रेजोनेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी हमारा ओमेगा इस तरीके से होगा 1/√LC, तो ये हमारा रेजोनेंस सर्किट होगा। या फिर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा अगर 2πf है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2π√LC। तो जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से होती है सर्किट में, तो हमारा वो रेजोनेंस का सर्किट होता है, ठीक है। अब रेजोनेंस के सर्किट में अगर हम बात करें तो सारा का सारा जो बादशाह होता है रेजोनेंस सर्किट का, वो रेजिस्टेंस होता है। देखो नाम में भी R आ रहा है, और सारा का सारा पूरा का पूरा बादशाह रेजोनेंस का रेजिस्टेंस होता है। तो याद रखेंगे, नाम में भी R आ रहा है और रेजिस्टेंस में R, मतलब L और C एक दूसरे को काट देते हैं, मतलब यहाँ पर इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को उड़ा देते हैं, सिर्फ आपका R ही बचता है। पूरा का पूरा इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यकीन मानिए रेजोनेंस सर्किट बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो केवल R के बराबर होता है, L और C की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को काट कूट देते हैं। देखो कहते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो XL है वो ओमेगा L होगा। अब जो ओमेगा है वो हमारा 1/√LC है, मल्टीप्लाई बाई L करेंगे, तो आंसर कितना आया, आंसर आया √L/C। अच्छा, अब एक्स सी निकालें तो 1/ωc, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारा आंसर कितना आने वाला है, √L/C। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं, दोनों ही हमारे सेम आ रहे हैं। और अगर हम इसका फेजर बनाएं RLC सर्किट का, तो वो कुछ ऐसे बनता था, है ना, ऊपर एक नीचे। तो अगर दोनों ही सेम है तो कट जाएंगे, तो आपका केवल कौन सा बचा, रेजिस्टेंस वाला करंट और रेजिस्टेंस वाला ही पोटेंशियल, ठीक है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है रेजोनेंस सर्किट का बादशाह होता है रेजिस्टेंस, नाम से भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही आपका
आर आर आ रहा है तो हमें ध्यान रखना है रेजोनेंस में भी आर है, रेजिस्टेंस में भी आर है, दोनों का बादशाह आपका मतलब इसका रेजोनेंस सर्किट का बादशाह रेजिस्टेंस है, ठीक है। चाहे पोटेंशियल हो वो भी आपका केवल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, चाहे आपका करंट सॉरी आपका चाहे इम्पीडेंस हो सर्किट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस वो भी आर के बराबर होता है, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर दिस। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करें तो देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल है। मान लो हम वैसे क्वेश्चन तो यहाँ बहुत सारे पॉसिबल हैं क्या, मान लो ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया 100 ओम का, ये हमने एक इंडक्टर लगाया, ये एक कैपेसिटर लगाया, फिर हमने क्या किया यहाँ पर एक थोड़ा कठिन सा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। मान लो हमने क्या किया यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक और वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक और वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया इसकी वैल्यू सपोज 50 वोल्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया फिर हमने एक यहाँ पर और वोल्ट मीटर लगा दिया, फिर हमने क्या किया यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया जो 2 एम्पियर का है, और हमने यहाँ पर क्या किया एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा दिया जो 200 वोल्ट कॉमा 100 अपॉन पाई हर्ज का है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो जल्दी से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक और वोल्ट मीटर लगा देते हैं V2, है ना, वो मिस हो गया है V1 V3 V4। तो मान लो हमारा जो एक वोल्ट मीटर है वो यहाँ कहीं है, ठीक है, मतलब वो दोनों को कवर कर रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि सारे चारों वोल्ट मीटर का आपको आंसर बताना है, V1 V2 V3 V4 की रीडिंग बतानी है, ठीक है। अच्छा वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे बता सकते हैं, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ना गहराई से तो ये काफ़ी आसान है। अच्छा सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि भाई ये हमारा कहीं रेजोनेंस सर्किट तो नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए हमेशा चेक कर लीजिए, ठीक है। कैसे कर सकते हो, कई तरीके हैं, या तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC चेक कर लो, या फिर क्या चेक कर सकते हो कि जेड की वैल्यू कहीं आर के बराबर तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेस्ट तरीका क्या है, जेड ही चेक करना बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर करंट भी दिया गया है वोल्टेज भी दिया गया है। तो हमारा जो जेड देखो करंट हमारा होता है वोल्टेज बाई जेड, तो जो हमारा जेड है वो हो जाएगा वी बाई आई, है ना। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 200 वोल्ट, करंट है 2 एम्पियर, तो हम यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे तो आंसर हो गया हमारा 100 ओम, और हमारा रेजिस्टेंस भी इतना है, इसका मतलब जेड हमारा आर के बराबर है। इसका मतलब कौन सा सर्किट है, ये रेजोनेंस सर्किट है। तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब हमारा बादशाह सिर्फ रेजिस्टेंस है, बाकी सब कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा तो इस यहाँ से हम इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारा वी एल होगा वही वी सी के बराबर भी होने वाला है, ठीक है। अच्छा और जो टोटल वोल्टेज है वो आपका किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, टोटल जो आपका जेड है वो भी आर के बराबर, क्योंकि रेजिस्टेंस ही बादशाह होता है रेजोनेंस सर्किट का। ये दोनों बेचारे आपस में ही एक दूसरे को मार देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो V1 हमारा कौन सा है, जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस है, ठीक है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस है तो देखो जो अब देखो हमें ये तो पता है इंडक्टर के अक्रॉस 50 वोल्ट है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी कितना होगा 50 वोल्ट, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट में VL और VC बराबर होते हैं। इसका मतलब VC के अक्रॉस भी 50 होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपका VL के अक्रॉस भी 50 है। अच्छा VC जो है वो हमारा V1 है, यानी कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो आपका 50 वोल्ट है। अच्छा अब बारी आती है हमारी V2 की, V2 हमारा ये है। अच्छा मुझे बताओ टोटल वोल्टेज इनके अक्रॉस कितना होगा, आंसर आएगा 0, क्योंकि ये एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, है ना। फेजर बनाया था ना हमने, एक का ऊपर होता था एक का नीचे होता था और रेजिस्टेंस का इधर होता था, तो एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि बराबर है, तो 0 हो जाएगा V2। अच्छा V3, अगर V3 को देखें तो ये टोटल कितना है, टोटल इसमें ये तो एक दूसरे को काट ही चुके हैं, है ना, इनका तो अब कोई वजूद ही नहीं बचा है, तो इनका तो कोई वजूद बचा नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होगा V3। तो V3 इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 200 वोल्ट पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट का बादशाह रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज ही इसके बराबर इसके अक्रॉस होता है, तो V3 हमारा 200 वोल्ट, क्यों, क्योंकि पूरा सर्किट में ही 200 वोल्ट है। अच्छा V4 हमारा खुद रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये भी V3 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक। अब एक चीज़ होती है LC ऑसिलेटर, तो LC ऑसिलेटर का मैं आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ उस पर क्वेश्चंस को करने का। LC ऑसिलेटर में ध्यान रखना क्या होता है, एक बार मतलब LC ऑसिलेटर का मतलब क्या है कि आपने एक जगह पर तो कैपेसिटर लगा दिया, है ना, एक जगह पर आपने इंडक्टर लगा दिया, इस तरीके का एक सेटअप हमने बना दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज होती रहती है, कभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है तो कभी यहाँ पर मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, ठीक है। ट्रिक क्या है कि जब भी आपका
जो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं कि किस टाइम पीरियड पर आप, मतलब आपको मान लो टाइम पीरियड दे दिया है ना, पूरा टाइम पीरियड दे दिया एल से ऑसिलेशन का, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइम पीरियड पर जो आपकी कैपेसिटर होगा उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहेगी। तो ध्यान रखना एन टी बाई टू, मतलब जब जब टाइम टी बाई टू का मल्टीपल आपका एन रहेगा, मतलब जब भी टी बाई टू मतलब जो टोटल टाइम पीरियड है उसका हाफ कर दो और उसका जब भी इंटीगर मल्टीपल आपका आएगा तो उस केस में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म है ये, फील्ड नहीं है। अच्छा, जब भी आपका ऑड नंबर ऑड मल्टीपल ऑफ टी बाई फोर आएगा, ध्यान रखना मैंने टी बाई फोर लिखा है, तो आपकी मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी रहेगी, और जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ टी बाई एट आएगा तो आपकी इक्वल एनर्जी रहेगी। ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो बेहद ही कॉम्प्लेक्स ये चीज़ होती है समझने के लिए। आपको ज़्यादा समझना है तो एक बार अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर जरूर देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 7 या फिर 6 में बताया गया होगा एल सी ऑसिलेटर। तो यहाँ पर एन टी बाई टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और टी बाई फोर मैग्नेटिक फॉर्म में और टी बाई एट दोनों में इक्वल, ठीक है, ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आप इसको एन का मतलब इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारे। अब जैसे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर करें तो क्या, जैसे और क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछे जा सकते हैं, मान लो ये हमारा एक बल्ब है, ठीक है, ऐसे हमने क्या किया एक बल्ब बना लिया और हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लिया। अब हमने क्या किया एक अल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ अगर इसके अक्रॉस 110 वोल्ट आपका और 60 वाट इसके अक्रॉस पावर है तो कैपेसिटर के अक्रॉस बताओ वोल्टेज कितना रहेगा, ठीक है, कब, जब आपकी ब्राइटनेस इस बल्ब की पूरी पूरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जब भी हमें टोटल वोल्टेज निकालने हैं ऐसे क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, एक साइड में रेजिस्टेंस है एक साइड में कैपेसिटर है, आरसी सर्किट है, तो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो खास बात है वो ये है, मतलब जब भी आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिए जाए तो आपको इसी तरीके से सब कुछ करना है, मतलब फेजर ऑलरेडी आपके दिमाग में होना चाहिए, आर और सी आए तो ऐसे कर दो, है ना, मान लो तीनों होते तो आपका VC और VL का डिफरेंस ले लेते, ठीक है, तो ये हमारा जो है जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वोल्टेज टोटल 200 वोल्ट 220 है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 110 वोल्ट है, रेजिस्टेंस मतलब बल्ब के अक्रॉस, और VC हमें निकालना है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा जो आएगा 110√3 वोल्ट। ठीक है, ये हमें समझनी होगी सारी चीज़ें, और जितने भी आंसर आए हैं वो सब RMS वैल्यू हैं, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी होंगी। अब एक चीज़ होती है हमारी क्वालिटी फैक्टर, इसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं देखने के लिए, तो क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर के बारे में हमें ध्यान रखना है। जो क्वालिटी फैक्टर होता है बेसिकली वो होता है मैक्सिमम पावर स्टोर्ड इन अ साइकिल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पावर लॉस पर साइकिल। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप फॉर्मूला ध्यान रखने, फॉर्मूला जो होता है वो आर बाई एल होता है सीधा सीधा क्यू फैक्टर का। ठीक है, आर बाई एल का रेशियो क्यू फैक्टर है, आर मतलब रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस, है ना। एक चीज़ होती है पावर, तो आपका अल्टरनेटिंग करंट में पावर होती है जैसे आपका इलेक्ट्रिकल करंट में होती है, तो एसी सर्किट के अंदर आपकी पावर अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके बारे में ध्यान रखें, जो एवरेज पावर होती है वो होती है, देखो वैसे पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, लेकिन यहाँ पर होगा वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाई, ये फाई कॉस जो है आपका पावर क्वालिटी फैक्टर है, या फिर आप कह सकते हो पावर फैक्टर, मतलब ये पावर फैक्टर कह लो क्वालिटी फैक्टर कह लो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो मैंने बताया है वो क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, मतलब कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है सर्किट का, तो आपका ये R बाई एल है। अब यहाँ पर ध्यान रखना एवरेज पावर वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाई है। ठीक है, या फिर हम जब इनकी वैल्यू रख देंगे तो वी नॉट की जगह हम RMS वैल्यू रखते हैं इसकी, वी बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाई। ठीक है, हमने क्या किया, मतलब टू को डिवाइड कर दिया है रूट टू में, तो हमारा ये हो जाएगा वी आर एम एस, ये हो जाएगा आई आर एम एस। तो नया फॉर्मूला हमारा एक और बन सकता है एवरेज पावर का। देखो जब भी हम कुप्पी लगा देंगे या फिर इसको हम क्या कहेंगे ब्रैकेट या फिर एवरेज हम निकालेंगे तब भी हमारा आंसर हमारा इस तरीके से एवरेज वैल्यू का ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ पर ये जो कॉस फाई है इसको पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग चीज़ थी, ये आपका अलग चीज़ है पावर फैक्टर। ये जो कॉस फाई हम देख रहे हैं ये पावर फैक्टर है, जो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो कॉस फाई होता है, ठीक है, ये होता है आपका पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब क्या है, जितनी पावर आपने सप्लाई करी उसकी कितनी फैक्टर लॉस हो गया, ये उसका मेजरमेंट है। तो ये होता है आपका पावर लॉस डिवाइडेड बाई सप्लाइड पावर, जितनी सप्लाई करी उसमें से कितनी लॉस हो गई, दैट्स इट, इतना सा है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लो इस तरीके से है हमारा, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस ले लेते हैं 30 ओम इसका रेजिस्टेंस है एक्स एल, और आपका एक कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस 45 ओम का
कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये हमारा आपका अल्टरनेटिव सोर्स हो गया। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पावर फैक्टर की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो पावर फैक्टर के बारे में एक और चीज ध्यान रखें, पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है कॉस फाई का फॉर्मूला सीधे सीधे वो होता है आर बाई जेड, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। अच्छा रेजोनेंस का क्वेश्चन हुआ तो ध्यान रखना आर बाई आर हो जाएगा, पावर फैक्टर वन हो जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं, पावर फैक्टर निकालना है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको सीधे सीधे आर बाई जेड करना है, मतलब आपको रेजिस्टेंस रखना है डिवाइडेड बाई टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो आपको सारे दिए गए हैं, बस आपको वैल्यू रख देनी है जेड की। अब जेड निकालना आना चाहिए, जेड का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस बड़े में से छोटा, यानी कि एक्स एल माइनस एक्स सी, क्योंकि यहाँ पर आपका कौन सा बड़ा है, सॉरी कैपेसिटर वाला बड़ा है, तो अब की बार एक्स सी माइनस एक्स एल करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स सी लिखते हैं, यहाँ पर एक्स एल लिखते हैं। अच्छा रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 20 ओम है, मतलब 400। अच्छा एक्स सी मतलब कितना है हमारा, यहाँ पर सीधे सीधे हमें एक्स सी की वैल्यू दी गई है 45 और एक्स एल है हमारा 30। तो मतलब सीधे सीधे बड़े में से छोटा घटाना है, टेंशन ही नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर 225, तो आंसर आ जाएगा 625, ठीक है। और 625 मतलब ये होता है 25, ठीक है, 625 का रूट। तो हमारा जो आंसर है पावर फैक्टर का, जो जिसे हम कॉस फाई कह रहे हैं, वो होगा आर बाई जेड। आर की वैल्यू कितनी है 20 ओम, जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 25 ओम, तो आंसर कितना आ गया 4/5। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 0.08, ठीक है, सॉरी 0.8, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, जितनी पावर आपने सप्लाई करी है उसमें से कितना लॉस हो गया, सिर्फ ये इसका मेजरमेंट है, ठीक है ना। तो आई होप, तो इस तरीके से हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका हमने पूरा रिवीजन कर लिया है। आई होप ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक झलक ले लेते हैं जो भी हमने आज पढ़ा है, ठीक है। देखो ये सारी स्लाइड्स हैं जो हमने आज देखी है, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है, जितनी भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस कवर करे जा सकते हैं वो सब कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, खूब सारे क्वेश्चंस करें, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो आपको काफ़ी सारा रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते रहें हर चैप्टर के, बेहतर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, हैव अ नाइस।